हाय, मैं हूँ सृष्टि और मैं लेके आ गई हूँ एंटरटेनमेंट से जुड़ी टॉप 10 न्यूज। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि प्रशांत नील सलार 2 को शुरू करने से पहले यश की केजीएफ 3 को शुरू करेंगे। जी हाँ, लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक निर्देशक प्रशांत नील सलार के बाद अपनी मूवी केजीएफ 3 को पहले पूरा करेंगे, इसके बाद वो दोबारा सलार 2 और जूनियर एनटीआर की एनटीआर 31 शुरू करने वाले हैं। OMG 2 को ए सर्टिफिकेट मिला है, अब इस पर अक्षय कुमार ने तंज कसा है। अक्षय कुमार ने कहा कि ये पहली एडल्ट फिल्म है जो टीनेजर्स के लिए बनी है, दरअसल ये सब स्कूल्स में दिखानी चाहिए। ड्रीम गर्ल 2 में जल्द नजर आने वाली अनन्या पांडे अब फिर से चर्चा में हैं और इसकी वजह है सामने आई उनकी नई पिक्चर्स। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस एक फ्लोरल साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं जो उन पर काफी अच्छी लग रही है। फैंस भी जमकर अब एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कृति सैनन ने अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ब्लैक आउटफिट में काफी स्मार्ट और गॉर्जियस नजर आई। अपनी फिल्मों के लिए चर्चा में रहने वाले कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर उपेंद्र इस समय विवादों में हैं। हाल ही में एक फेसबुक लाइव सेशन के दौरान दलित समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद से ही उपेंद्र विवाद में फंस गए हैं। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। पंजाबी सिनेमा की टैलेंटेड एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने अपनी नई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करके फैंस को हैरान कर दिया है। इन पिक्चर्स में एक्ट्रेस ब्लू ड्रेस में बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही हैं। साउथ एक्टर नासर को हाल ही में पोनियन सेल्वन 1 और 2 में देखा गया था। एक्टर ने अब खुलासा किया है कि उन्होंने केवल एक दिन के लिए शूटिंग की और डेट्स की दिक्कतों के कारण और सीन्स न कर पाने का उनको अफसोस है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस के लिए अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बेहद ही प्यारा सा नोट लिखा है। इस पोस्ट में प्रियंका ने निक के लिए नए कॉन्सर्ट के लिए उन्हें बधाई भी दी है। दिव्या खोसला कुमार जल्द ही आर्यन 2 में नजर आने वाली हैं। उससे पहले एक्ट्रेस ने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं। पिक्चर्स पर फैंस भी अब जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं। रोशन प्रिंस, गुरप्रीत गुग्गी, बीएन शर्मा और सुखी चहल स्टारर फिल्म बिना बैंड चल इंग्लैंड की अनाउंसमेंट हो गई है। आपको बता दें कि सतेंद्र सिंह देव के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 17 नवंबर को सिनेमाज में रिलीज होगी। एंटरटेनमेंट और सिनेमा की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।